हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता और आप देख रहे हैं HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUT के थ्रू कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो कि बी फार्मा कोर्स करवाती हैं। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। इनमें हम देखेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डोमेन सब्जेक्ट एंड एज लिमिट और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 6 यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको फार्मेसी से रिलेटेड पूरी जानकारी और PDF वगैरह भी सिलेबस के मिलते रहेंगे। बाकी अगर मुझसे कुछ पर्सनली आपको पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है फ्रेंड्स, उसका नाम है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा में है फ्रेंड्स। और इसके जो डोमेन सब्जेक्ट है आपके सिर्फ और एक इंग्लिश का आपको जनरल टेस्ट वही देना है, और इसी के थ्रू आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे जो हमारी यूनिवर्सिटी MUT मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और इसका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपके 12th में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें से दोनों में से कोई भी आप हैं साइंस से तो आप इसका एग्ज़ाम देकर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए तीसरे नंबर पे जो आती है हमारी, वो है AKTU यूनिवर्सिटी, जो कि APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और जिसमें सबसे ज़्यादा बी फार्मा कोर्स यही यूनिवर्सिटी करवाती है फ्रेंड्स, एंड डिप्लोमा कोर्स भी सबसे ज़्यादा यही करवाती है। अराउंड मैं खुद करता हूँ इसी यूनिवर्सिटी से। तो इसके डोमेन सब्जेक्ट जो हैं फ्रेंड्स वो है PCB एंड PCM, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होने चाहिए 12th में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और इसमें एज लिमिट भी है फ्रेंड्स, आपकी एज लिमिट कम से कम 17 साल हो जानी चाहिए, तभी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है AKTU यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, जाके आपको CUT से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं अपनी चौथे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी, वो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिपल यूनिवर्सिटी, जो इंदिरा गांधी नाम से एक यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स। और इसके भी डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, दोनों में से आपको कोई भी डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और इसके एग्ज़ाम देकर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और पाँचवें नंबर पर जो है फ्रेंड्स, वो है हेमावती नंदन यूनिवर्सिटी, इसका पूरा नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, हेमावती नंदन यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ। और इसमें फ्रेंड्स डोमेन सब्जेक्ट वही हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों में से आपके पास जो भी क्लास 12th में हो आप इसमें इजीली फिल करके आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन है फ्रेंड्स, आपका क्लास 12th में रेगुलर क्लास होना चाहिए, मतलब आपके मार्कशीट पे आपका रेगुलर लिखा होना चाहिए। मतलब अगर आपने क्लास नहीं किया 12th में और वैसे ही आपने पास किया है तो आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो पहले नंबर पर आती है फ्रेंड्स, वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि फ्रेंड्स इसमें भी डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों में से आपके कोई भी हो जो आप एग्ज़ाम देकर इसमें इसी यूनिवर्सिटी अफिलेटेड कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ ऐसे सेलेक्ट किए हैं, तो 6 ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो बाकी आपको कुछ पूछना है तो मुझे कॉमेंट पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं और एक एक यूनिवर्सिटी बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।